हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि शॉर्ट में उसको हम कहते हैं ई तो ये ई क्या है और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं किस तरह से उसको जान सकते हैं तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम ये वीडियो लेक्चर में ऑफ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं ईसीजी के बारे में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बीन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऑफ फार्मर ऑक्स तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मरक्स का मोबाइल एप्लीकेशन की जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है एंड ऑल्सो ऑन ए ऐप स्टोर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो हमने स्टडी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की और उसके अंदर जाना कि यह सिस्टम का मेन काम तो है ब्लड सप्लाई करना कि सप्लाई ऑफ ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उसके लिए जो उसको मदद करता है पूरा नेटवर्क कि जो ब्लड वेसल्स का बना हुआ है कि जो आर्टरीज हम कहते हैं वेंस वगैरह कहते हैं और वो पूरे बॉडी के अंदर अच्छे से फैलता है और बनाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज़ ये सिस्टम का मेन काम ही है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को ब्लड सप्लाई करना और ब्लड के थ्रू वो डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन को टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी और उसका मेन ऑर्गन हम कहें तो हार्ट है कि जो हमारे बॉडी का नेचुरल पम्प हम कहते हैं नेचुरल पम्प तो कि उसके थ्रू ब्लड जो है वो अच्छे से पम्प होता है हमारे हार्ट में से अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की और थ्रू द कलेक्शन ऑफ ए ब्लड वेसल्स की आर्टरीज एंड वेन एंड ब्लड कैपिलरीज का जो लार्ज कलेक्शन है हमारे बॉडी के अंदर तो उनके थ्रू ये जो ब्लड है वो अच्छे से फैल जाता है तो आज जो हमें समझना है ई तो ई का जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑन ए कार्डियक साइकिल के ऊपर ही है कि कार्डियक साइकिल मतलब कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की ओर पहुंचता है और फिर वहाँ से वापस जो यूज़ हुआ ब्लड वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड होता है और फिर से वही साइकिल होती है पूरी कि फिर से डीऑक्सीटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड होता है फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो ये पूरी प्रोसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कार्डियक साइकिल को तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ज़रूर से पार्ट सिक्स एक बार ज़रूर से देखिए कि जो कार्डियक साइकिल के ऊपर हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है तो ये कार्डियक साइकिल की जो अलग अलग फेजेस होते हैं लाइक एट्रियल सिस्टोल का फेज़ होता है फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सेकंड फेज़ और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का अर्ली एंड लेट फेज़ होता है उसी दौरान आपको ये पूरा ये पीक मिलता है वेव्स मिलते हैं कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि एक वेव आपको मिलता है पी वेव फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है टी वेव मिलता है तो ये जो अलग अलग हमें वेव्स मिलते हैं वो डिपेंड ऑन सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ईच एंड एवरी फेजर उस दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज होते हैं वो ही मेज़र करता है हमारा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो जानते हैं उसके बारे में तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि जो ई पेपर के ऊपर ये जो हमें वेव्स मिलते हैं दैट इज़ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बट ये मेज़र क्या करता है कौन सी चीज़ को मेज़र करता है वो समझना ज़रूरी है तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हार्ट बीट इज़ ए सीरीज़ ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स कि जो हमारे हार्ट बीट्स होते हैं तो हार्ट बीट्स के लिए हमारे बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो जनरेट होते हैं उसी के कारण हार्ट बीट्स जो है वो अच्छे से प्रॉपरली जनरेट होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन जनरेट करता है तो मायोकार्डियम। तो ये पॉइंट के ऊपर आप ख़ास ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेटेड बाय अ मायोकार्डियम ये जो मायोकार्डियम जो आपने सीखा था कि अलग अलग लेयर्स होते हैं हार्ट के तो मायोकार्डियम जो है वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस जनरेट करता है एंड ये जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के अंदर वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी यहाँ पे देखो ये जो पर्सन के चेस्ट के ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं एंकल के ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे मेज़र करेंगे इलेक्ट्रिकल चेंजेस को कि जो जनरेट होते हैं बाय मायोकार्डियम की जो हार्ट का एक लेयर है और फिर ये जो ई मशीन होती है ये ई मशीन ये जो चेंजेस होते हैं इम्पल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर उसको ये अच्छे से मेज़र करता है और ये ई पेपर के ऊपर आपको ये ई का पूरा ये वेव्स मिलता है तो ये जो रेकॉर्डिंग है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर जो चेंज होता है हार्ट के अंदर टाइम बाय टाइम और ये हर एक हमारे हार्ट बीट्स के साथ एसोसिएटेड है तो इसी को जो मेज़र किया जाता है वो है हमारा ई तो ये अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर से होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कौन करता है क्योंकि हमने तो वो डेफिनेशन के अंदर देखा कि वहाँ पे मेज़र करा किया जाते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को बट ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ऐसे नॉड और ए वी नॉड के पास ऐसे नॉड को जिसको साइनो एट्रियल नॉड कहा जाता है कि यहाँ पे जो एट्रियम का जो पोर्सन होते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट है एसेनाड और उसी के पास यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दिस वन दैट इज़ ए एट्रियोवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड की जिसको हम कहते हैं ए वी नोड तो ये दोनों नॉड्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने की और ऐसे नोड को हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर मतलब कि हार्ट की जो रिदम है हार्ट बीट्स जो जनरेट होते हैं कुछ समय एट्रियम के अंदर सिस्टोलिक फेज़ होगा किस वक्त उसके अंदर डायस्टॉल फेज होगा कब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा कब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होगा तो ये सभी का जो नियमन करने का काम है रेगुलेशन करने का काम है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जब हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और ई जी पेपर के हमारे ऊपर जो हमें पूरा इमेज तैयार होकर मिलता है वेव तैयार होकर मिलते हैं वो ही है हमारा ई मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो एवी नॉड इज़ ए पार्ट ऑफ़ द इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम ऑफ़ द हार्ट दैट कोऑर्डिनेट्स द टॉप ऑफ द हार्ट कि ऐसे नोड तो नेचुरल पेस मेकर है ही बट साथ जो ए वी नोड भी वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने वाली जो सिस्टम की जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम उसी का पार्ट है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई समझो कि हम घर पे भी कोई मोटर वगैरह यूज़ करते हैं पानी को पंप करने के लिए तो उसको भी अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी कि जब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा पावर सप्लाई होगा तो ही ये मोटर हमारी अच्छे से काम करती है समझो कि वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएसन है तो भी ये मोटर अच्छे से काम नहीं करेगी लो वोल्टेज होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगी हाई वोल्टेज होगा तो वो डैमेज हो जाएगी उसी तरह से ये हमारे हार्ट के अंदर भी है कि जब इम्पल्स जब तक प्रॉपरली जनरेट होते जाते हैं एस ए नोड और ए वी नोड अपना काम अच्छे से करते तब तक ये इसी जी है वो अच्छे से प्रॉपर हमें मिलता है हमारे हार्ट बीट्स रेगुलर होते हैं कि जो हम कहते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट्स सिक्सटी से लेकर हंड्रेड हार्ट बीट्स होते हैं पर मिनट तो वो भी प्रॉपरली होते रहते हैं कि जब तक ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई अच्छे से मिलता है हार्ट को बट जब ऐसे नोड़ और ए वी नोड़ में जब कोई ख़राबी होती है वेंट्रिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है एट्रियम के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर असर पड़ता है कि जैसे कि आपकी मोटर के अंदर कोई ख़राबी अंदर कोई कचरा है अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो भले इलेक्ट्रिसिटी सही है तो भी मोटर काम नहीं करेगी या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के अंदर फ्लक्चुएशन है तो भी मोटर काम नहीं करेगी तो सेम लाइक दैट यहाँ पे हार्ट में भी होता है तो ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट है कि जो आपको याद रखना जरूरी है तो इम्पल्सिस कौन जनरेट करता है वो आपको यहाँ पर पता चल गया अब समझना ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कि जो ऐसे नोड और एवी नोड के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है वो ऐसे नोड या फिर एवी नोड दोनों जो नोड है वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों को अच्छे से प्रॉपर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग टू कनेक्ट करके पूरा जो हार्ट की जो रिदम तैयार होती है कि जिसको हम नॉर्मल रिदम कहते हैं हार्ट की कि जो नॉर्मल हार्ट बीट सिक्सटी से हंड्रेड हमें मिलते हैं और कई बार हम एवरेजली ट्वेंटी टू बीट्स पर मिनट भी कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि जिसको हम इसी या फिर इके भी कहते हैं तो इज इट टेस्ट देट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन अवर हार्ट तो ये जो हॉरीजेंटल एक्स तैयार होगा कि हॉरीजेंटल लाइन तो ये जो है वो टाइम है और यहाँ पे ये जो लाइन है वाई एक्सिस हम देखें उसी की कि वो है हमारे वोल्टेज की जो मिली के अंदर कंसि मेज़र किए जाते और टाइम वो मिली सेकेंड्स के अंदर यूजली तो एक्टिविटी जो है कि स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग स्ट्रेंथ मतलब कि वोल्टेज और सामने टाइमिंग मेज़र करता है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के कौन से टाइम के अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ दैट सो अ फेज ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल एज इट ट्रैवल थ्रू द हार्ट कि जैसे जैसे वो हार्ट के अलग अलग एरियाज के अंदर आगे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो वेव्स जो है वो तैयार होते तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वेव मिलती है दैट इज़ ए पी वेव कि सबसे पहले यहाँ पे पी वेव फिर उसके नीचे यहाँ पे क्यू फिर ये ऊपर की और ये आर फिर ये एस एंड देन टी तो ये एक पूरा जैसे कार्डियक साइकिल एक कम्प्लीट हुआ ये एक ई जो है वो कम्प्लीट होगा जैसे सेकंड कार्डियक साइकिल होगा तो ये सेकंड ई बनेगा तो उस तरह से पूरा सीरीज तैयार होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जिसको पूरा जो ई पेपर होता है ई ग्राफ होता है उसके ऊपर मेज़र किया जाता है तो अब समझना जरूरी कि इसके फंक्शंस क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई तो ई के ऊपर पेपर के अंदर हमने देखा कि ये साइड वोल्टेज है यहाँ पे टाइम है और सभी जो वेव्स जो हमें मिलते हैं वो प्रॉपर टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होता है तो इट इज़ ए टेस्ट दैट चेक हाउ आवर हार्ट इज फंक्सन इन ये पॉइंट समझना जरूरी है कि ई से हम क्या पता लगा सकते हैं Osionfish. तो इसी जिसे से ये पता चलेगा कि आपका हार्ट किस तरह से काम कर रहा है कैसी उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कि समझो कि हार्ट बीट्स नॉर्मल है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी नॉर्मल है तो ये नॉर्मल ई जी जो है वो आपको मिलेगा बट समझो कि हार्ट बीट्स काफ़ी स्लो है या फिर हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा है तो उस वक्त ये ई के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और वो हम आगे भी देखेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप के ई हमें मिलते हैं तो ईच हार्ट बीट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और वेव ट्रावल थ्रू अवर हार्ट दिस वेव कोज मसल्स टू स्क्वेज एंड पम्प ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड प्रोड्यूस अ वेव ऑन ए सी जी कि जैसे जैसे ये इम्पल्सिस आगे ट्रैवल करेंगे आपके हार्ट्स के अलग अलग चैम्बर्स के अंदर और जो सिस्टोलिक फेज आता है डायस्टोलिक फेज आता है और जैसे जैसे ब्लड जो है वो पंप होता है हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स में से मसल्स वापस स्क्वीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो मेज़र करेगा ये आपका ई पेपर तो ई पेपर के बारे में कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है एज वेल एज़ एज नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप ई की स्टडी कर रहे हैं तो ई पेपर को भी समझना ज़रूरी है तो इसी जी पेपर के अंदर हम देखें तो इसी जी पेपर क्या है एक टाइप की ग्रीड है ग्रीड मतलब कि ऐसा पेपर जिसके तो कि जिसके ऊपर हम देखें तो ऐसे समझो कि स्क्वायर है कोई तो ये स्क्वायर के अंदर भी समझो कि ऐसे छोटे छोटे कोई स्क्वायर्स दिए हैं तो ये सभी स्क्वायर्स की लेंथ एंड वेड कितनी रहेगी वन मिलीमीटर कि समझो कि यहाँ से मैं कोई एक स्क्वायर ये निकालता हो तो ये वाला जो स्क्वायर मुझे मिलेगा वो वन बाय वन कि वन सेंट वन मिलीमीटर उसकी वेड़्थ रहेगी और वन मिलीमीटर mm उसकी लेंथ रहेगी तो ये जो पूरा ग्रिड तैयार होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो पेपर होता है ई पेपर का तो ये देखिए ये है आपका पूरा ई पेपर अब ये ई पेपर का कोई एक में फ्रैगनेंट लेता हो ये वाला ये एक बॉक्स लेता हो कि जिसको हम कहेंगे लार्ज बॉक्स के जिसके अंदर टोटल फाइव स्क्वायर प्रेजेंट है कि ये वाला फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ एंड ये फाइव तो पांच यहाँ पे है उसी तरह से पांच ये साइड से मतलब कि फाइव एम mm का ये पूरा एक स्क्वायर कि फाइव एम mm उसकी लेंथ भी है और फाइव एम mm उसकी विड्थ है अब उसी में से मैं कोई एक स्मॉल बॉक्स निकालता हूँ तो ये स्मॉल बॉक्स लेंथ है वन मिलीमीटर और वर्थ भी है वन मिलीमीटर अब यहाँ पे जो आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि हर एक स्मॉल स्क्वायर, ईच स्मॉल स्क्वायर वन एम एम इन लेंथ एंड रिप्रेजेंट द टाइम जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड एंड वर्थ जीरो पॉइंट वन मिली वॉट अब यहाँ पे देखिए ये जो स्मॉल बॉक्स के डायमेंसन दिए हैं तो ये स्मॉल बॉक्स जो है उसकी वन मिलीमीटर की जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड यहाँ पर देखो लिखा है कि लेंथ रिप्रेजेंट करती है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेकेंड को उसी तरह से उसकी जो वीड्थ है वो कंस रिप्रेजेंट करेगी जीरो पॉइंट वन मिली वॉट तो ये होगा एक स्मॉल बॉक्स के बारे में स्मॉल स्क्वायर अब जो पूरा हम लार्ज बॉक्स हम देखें तो लार्जर स्क्वायर ये काफ़ी ऐसे स्मॉल बॉक्स तैयार होकर समझो कि 5 एम mm का एक स्क्वायर बनाते हैं तो 5 एम mm वाले ये स्क्वायर के अंदर हम देखें तो उसकी जो लेंथ है 5 एम mm की वो रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 पॉइंट सेकेंड को कि ये एक स्क्वायर ये दूसरा फिर ये तीसरा चौथा और ये पाँचवा तो हमें पता है कि एक स्क्वायर मतलब कि 0.04 पॉइंट सेकेंड एक स्क्वायर मतलब की जीरो पॉइंट जीरो फॉर सेकंड तो इन टू समझो कि आप पांच करोगे तो वो आंसर मिलेगा आपको जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकंड तो ये होगा आपका जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकंड और एक मिलीमीटर आपको पता है कि वन एम एम इज इक्वल टू पॉइंट वन मिली वॉट तो पांच मिलीमीटर बराबर हो गया है जीरो पॉइंट फाइव मिली वॉट तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर जो किसी भी स्क्वायर को आप देखोगे कि, कि समझो कि जैसे ही ये पांच स्क्वायर कंप्लीट होते हैं तो आपको समझना है कि पांच स्क्वायर इज इक्वल टू तो हो गया 0.2 पॉइंट का टाइम पीरियड और इट इज इक्वल टू तो 0.5 पॉइंट फाइव मिली वॉट दैट इज ए वॉल्टेज तो वॉल्टेज मेजर करेगा और साथ साथ टाइम मेजर करेगा ये पेपर तो इसी जी वेव जो है उसको हम समझे तो टोटल तीन ऐसे वेव है कि जिसको हम एक दूसरे से डेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं तो पहला जो वेव है वो है पी वेव की यो ये वाला आप देख सकते हैं दिस इज़ अ पी वेव उसके बाद क्यू आर एस का जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा ये वाला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और उसके बाद ये वाला टी वेव उसके बीच में आपको ये पी और आर इंटरवल मिलेगा क्यू टी इंटरवल का टाइम मिलेगा और एस टी वाला एक सेगमेंट मिलेगा कि जो बीच में जो इंटरवल होता है वो आपको मेजर करेंगे तो इच रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इवेंट तो अच्छे से समझिए सबसे पहले पी वेव के बारे में कि पी वेव क्या है तो पी वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया कि हमें पता है कि सबसे पहले एट्रियम सिस्टॉल का जो पीरियड होता है तो उस वक्त डीपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है तो डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम एसे नॉड थ्रू आउट द एट्रियल मायोकार्डियम कि एट्रिया में से सबसे पहले अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे जिससे हम यहाँ पे एक स्कीमेटिकली देखते हैं कि हार्ट के ये चार चैम्बर तो ये राइट right साइड का जो एट्रियम का पोर्शन हम लिखते हैं वहाँ से राइट right साइड के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड उसी तरह से लेफ्ट साइड के एट्रियम में से लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो पहुँचता है तो ये एट्रियम जो होते हैं तो उसके अंदर से जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजरते हैं तो उस वक्त एट्रियम अपनी एक्टिविटी दिखाता है और उस वक्त जो पीक मेज़र होता है उसको हम कहते हैं पी वेव एंड उसका जो ना नॉर्मल टाइम पीरियड हम देखें पी वेव का तो दैट इज़ ए ज़ीरो पॉइंट जीरो एट टू जीरो पॉइंट इलेवन सेकेंड के ज़ीरो पॉइंट जीरो एट से लेकर पॉइंट इलेवन सेकंड के अंदर नॉर्मली ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाते जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल का फेस एंड पी से लेकर आर का जो इंटरवल हम देखें तो पी आर इंटरवल का टाइम पीरियड होता है जीरो पॉइंट बारह से लेकर ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी सेकंड तो ये होगा पी वेव कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है डिपुलराइजेशन ऑफ ए एट्रिया तो ये खास आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और उस वक्त ये राइट साइड के एट्रियम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जो थे वो अब आगे एट्रियम में से वेंट्रिकल्स की ओर पहुंचेंगे तो उस वक्त जो आपको जो सेकंड वेव मिलता है दैट इज ए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम के अंदर समझाया कि एट्रियम में से अब ये जो इम्पल्स है कि पहले एट्रियम में थे वहाँ से अब वेंट्रिकल्स के अंदर इम्पल्सिस जो है वो ट्रेवल करेंगे तो उसके दौरान जो हमें पूरा जो पीक मिलता है दैट इज़ ए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो ये क्यू से लेकर क्यू से ये आर फिर ये नीचे एस तो क्यू आर और एस ये वाला जो हमें कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज़ ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड नॉर्मल टाइम पीरियड इज़ लेस देन पॉइंट वन सेकेंड ऑफ क्यू आर एस वेव एंड शॉर्टली आफ्टर द क्यू आर एस वेव बिगिनस एंड एक्शन पोटेंशियल इज रिच एंड वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्ट कि उस वक्त हमें पता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ से वेंट्रिकल्स में से ब्लड अलग अलग सिस्टमिक सर्कुलेशन एज वेल एज पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो पंप करना है हमें ब्लड को अब आगे क्या होता है जो टी वेव होता है तो टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन विच कॉरस्पॉन्ड टू रीलोकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल फाइबर अब जो है हमें पता है कि ब्लड जो है वो पंप हो गया तो अब जो पेज जो चलू होता है दैट इज़ ए वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और ये जीरो सेकंड होता है ऑफ ए टी वेव और जो एस टी सेगमेंट होता है वो लेस देन पॉइंट ट्वेल्व सेकेंड के अंदर कंप्लीट होता है तो ये जो टी वेव है वो लेस देन पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड और एस टी सेगमेंट जो है वो पूरा दैट इज़ ए ज़ीरो पॉइंट ट्वेल्व सेकेंड और उससे भी कम और ये क्यू से लेकर टी का जो इंटरवल हम देखें क्यू टी का इंटरवल दैट इज़ ए लेस देन पॉइंट थर्टी एट सेकेंड और फिर आगे का ये जो टाइम पीरियड वो अराउंड पॉइंट टू सेकेंड इस तरह से ये पूरा जो है इससे जी जीरो पॉइंट एट सेकेंड का जो हम टाइम पीरियड जो हम कहते हैं कार्डियक साइकिल का उसी के अकॉर्डिंग टू ये पूरा एक आपको ये वेव्स का जो सीरीज़ मिलता है कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो मेनली यहाँ पे जो जैसे जैसे अलग अलग चैम्बर्स में से ब्लड गुजरता है वहाँ सिस्टोलिक फेज़ आता है डायस्टोलिक फेज आता है ब्लड पंप होता है अलग अलग वेंट्रिकल्स में से या फिर वेंट्रिकल्स फील होते हैं एम होते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ चेंजेस होती है वो हमें मेज़र करके देता है ये ई तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले ये जैसे स्टार्ट होता है कि एट्रिया के पोर्शन के अंदर जो सिस्टोलिक फेज आता है उस वक्त हमें ये पी वाला वेव मिल गया और वेंट्रिकल्स का जो फेज चालू होता है कि जब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचता है तो उस वक्त ये क्यू आर और एस वाला हमें सेगमेंट मिलता है फिर आगे ब्लड जो है वो अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर पहुँचा और वहाँ से वापस जो है वो ब्लड आता है और ये टी वेव उस वक्त जो है वो प्रोड्यूस होता है कि वेंट्रिकल्स की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग टू और ये मेज़र करता है ये सेट टाइम और ये मिली के अंदर तो ये पूरा एक सेगमेंट 0.8 पॉइंट के अंदर यहाँ तक ख़त्म हो गया कि एक ये वाला पूरा कि देखो एक स्क्वायर जो है ये पूरा हमें पता है कि 0.2 पॉइंट का ये दूसरा स्क्वायर 0.2 पॉइंट टू सेकेंड का ये थर्ड दैट इज़ ए ज़ीरो पॉइंट टू और ये वाला तो इस तरह से जो एक एक स्क्वायर के जो टाइम लिमिट हमें पता है कि 0.2 पॉइंट सेकेंड होती है पूरे एक सेगमेंट की तो उसी के अकॉर्डिंग टू ये हमें ई का पूरा सीक्वेंस मिलता है तो ये सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल सीक्वेंस है कि, कि किसी भी तरह की बीमारी के बिना जब किसी पर्सन के अंदर हेल्थीनेस होता है तो इस टाइप का ई हमें मिलता है बट नॉर्मल पीआर का जो इंटरवल है कि ये पीआर इंटरवल तो ये पीआर इंटरवल का आप देखो तो यूजअली 120 से लेकर 200 मिली सेकेंड मतलब कि हमें पता है कि पॉइंट बारह से लेकर पॉइंट वन सेकेंड के अंदर वो कंप्लीट होता है सॉरी uh, पॉइंट बारह से लेकर पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड उसका मतलब ये होगा कि वन ट्वेंटी से लेकर टू हंड्रेड मिली सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट होता है और जो वो कवर करेगा थ्री टू फाइव स्मॉल स्क्वायर ऑफ ए पेपर कि चाहे वो तीन स्क्वायर को कवर करेगा या फिर पाँच स्क्वायर को कवर करेगा ये पी इंटरवल अब समझो कि पी इंटरवल 200 से ज़्यादा हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज सेट टू बी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन थ्रू द एवी नोड ऑफ द हार्ट आसानी से समझते हैं यहां पे देखिए कि नॉर्मल क्या है ये पीरियड नॉर्मली 120 से लेकर 200 मिलीसेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है यह है नॉर्मल अब समझो कि कोई प्रॉब्लम है डिसीज कंडीशन है ऐसे नोड अच्छे से काम नहीं कर रही तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 200 से भी ज़्यादा मिली सेकेंड लग रहे हैं ये पी वाले फेज़ को कम्प्लीट होने में मतलब कि प्रॉब्लम ही हो गया कि टाइम ज़्यादा लिया टाइम ज़्यादा हुआ मतलब कि वो क्या हुआ स्लो हुआ मतलब कि जब कोई आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवल करते वक्त समझो कि आपको टाइम ज़्यादा लगा तो मतलब क्या हुआ उसका कि आपने जो है वो जर्नी काफ़ी स्लो की है कि आपके व्हीकल की स्पीड समझो कि कम थी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो काफ़ी कम समय में आप वो ट्रैवलिंग कर कंप्लीट कर लोगे तो यही बात है कि ये जो ई जी का जो पूरा ट्रैवलिंग फेज़ है उसमें भी ये जो पी इंटरवल का जो टाइम पीरियड है वो वन से लेकर 200 हंड्रेड के अंदर नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है बट समझो कि यही फेज़ को कंप्लीट करने में किसी पर्सन को 200 हंड्रेड या उससे भी ज़्यादा समय लगता है तो उसका मतलब ये होगा कि उसका हार्ट कै, कैसा काम कर रहा है स्लो काम कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर हो गया कि जब आपके हार्ट की एक्टिविटी स्लो होगी तो ये टाइम लिमिट जो है वो ज्यादा लेगा जिसके कारण ईसीजी के अंदर भी काफी फेरफार आपको देखने को मिलेंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो इफ द पी इंटरवल इज टू ग्रेटर देन टू हंड्रेड मिल, मिली फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इज सेट टू तो बी प्रेजेंट And कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली स्लो कंडक्शन थ्रू द AV node of ऑफ द हार्ट आपके हार्ट के जो AV नोड है वो काफ़ी स्लो कंडक्शन कर रही है मतलब कि हार्ट आपका स्लो काम कर रहा है और उसी को हम कहेंगे कि कोई डिसीज कंडीशन होगी तो अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट आता है कि ई सी रीडिंग किस तरह से किया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है तो ये वाला नॉर्मल हार्ट बीट तो नॉर्मल हार्ट बीट के दौरान जो ये ए जनरेट हो रहा है ये वाला तो यहाँ पे समझो कि जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के अंदर ये नॉर्मल हार्ट बीट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और नॉर्मल हार्ट बीट्स हम कहते हैं कि 60 से लेकर 100 होते हैं पर मिनट एंड प्रोड्यूस द नॉर्मल टाइप ऑफ ए सी हियर कि ये जो डायग्राम में आप ए देख रहे हैं वो है नॉर्मल हार्ट बीट्स का ए अब समझो कि डिसीज कंडीशन है और वो भी टैकी कार्डिया है टैकी कार्डिया को मैंने समझाया था कि इंक्रीज इन हार्ट बीट्स जब आपके हार्ट बीट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम कहते हैं टैकी कार्डिया और वो हार्ट बीट समझो कि सौ से भी ज़्यादा है तो हार्ट बीट सौ से ज़्यादा है मतलब ऐसा हुआ कि हार्ट की स्पीड ज़्यादा है स्पीड ज़्यादा है मतलब कि सेम समय के अंदर ज़्यादा ए कवर हो जाएंगे तो वही देखिए यहाँ पे जो वेव्स देखिए वो नॉर्मल वेव्स है कि लाइक हम आर वाला वेव पकड़ दे है कि आर वाला पीक आप यहाँ पे पकड़िए ये वाला समझे कि ये आर है यहाँ पे सभी के अंदर तो ये आर हमें यहाँ पे कितने मिल रहे हैं सेम टाइम के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तो सेम टाइम के अंदर टैकी काड़िया वाले पेशेंट के अंदर आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये वाला ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन मतलब कि टाइम पीरियड तो सेम ही है बट वही टाइम पीरियड के अंदर बीट्स इतने ज्यादा है कि ई पेपर के ऊपर आपको इस तरह से ग्राफ मिलेंगे और उसके अंदर वेव्स जो है वो क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं क्लियरली सोज द मोर ई सी जी वेव्स इन सेम टाइम इंटरवल सेम टाइम इंटरवल के अंदर इसी जी के अंदर आपको कैसे वेव्स देखने को मिल रही है ज़्यादा कि यहाँ पे नॉर्मल के अंदर सिर्फ आठ वेव थी यहाँ पे आप देखिए तो ये सिक्सटीन जितनी वेव्स आपको देखने को मिल रही है सेम टाइम पीरियड के अंदर तो उसका मतलब यह होगा कि पर्सन के हार्ट बीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ज़्यादा टाइम ज़्यादा होने कारण काफ़ी फास्टर बीट्स मिल रहे हैं उसी तरह से जब हार्ट बीट्स डिक्रीज़ होते हैं तो डिक्रीज इन हार्ट बीट मीन्स लेस देन सिक्सटी बीट्स पर मिनट सोज द लेस इज इज वेव्स एंड मोर स्पेस बिटवीन द वेव्स एंड क्लियरली इंडिकेट्स द स्लोअर हार्ट बीट्स यहाँ पे देखिए कि जिसको हम ब्रेडी कार्डिया कहते हैं डिक्रीज इन हार्ट बीट्स को कि हार्ट बीट्स जो है वो डिक्रीज होना तो इसके वेव आप गिनिए ये वाला फर्स्ट वेव ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ तो यहाँ पे सेम टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ चार वेव हो रही है तो नॉर्मल के कंपर में हाफ़ मिल रही हमें और यहाँ पे ब्रेडी टैके के अंदर नॉर्मल के कंपर में जो वेव्स जो है वो डबल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन के जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा है तो टैके कम है तो कार्डिया अब समझो कि मिक्सअप है इरेगुलर है कि एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इरेगुलर हार्ट बीट्स है कि ये वाले पोर्शन में तीन वेव है फिर काफ़ी बीच में ये गैप है फिर फिर से वेव्स जो है वो इस तरह से तो ये हो जाएगा इरेगुलर हार्ट बीट्स तो इरेगुलर हार्ट बीट्स कई बार ब्रेडी कार्डिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर कई बार ये टैके कार्डिया के अंदर कि जिसको हम कहेंगे कि हार्ट बीट कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाना या फिर हार्ट बीट्स का काफ़ी स्लो हो जाना तो इस तरह से आप समझ सकते इस चीज़ को कि जैसे नॉर्मल होगा तो जो वेव्स है वो नॉर्मल मिलेंगे आपको टैके होगा तो सेम टाइम पीरियड के अंदर आपको ज़्यादा वेव्स मिलेंगे और हार्ट बीट्स कम होंगे ब्रेडिक होगा तो लेस ए सी जी वेव मतलब कि काफ़ी कम वेव आपको मिलेंगे सेम टाइम पीरियड के अंदर अब ये पॉइंट आता है कि फ्लैट लाइन इन ई सी जी कि देखिए कि ये वाला जो ए सी जी के ऑसस्टॉल इज़ वैन देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी और मूवमेंट इन योर हार्ट कि जब हार्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कोई मूवमेंट ही नहीं है तो वो कंडीशन को कहा जाता है कि असिस्टॉल तो ये वाला देखिए कि ये नॉर्मल पर्सनस के अंदर है कि जो 78 हम देख रहे हैं हार्ट बीट्स यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरह से एस पी ओ टू एटी है एंड रेस्परेशन रेट नाइनटीन है बट जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जीरो हो जाती है कोई एक्टिविटी ही नहीं है तो दैट मीन्स पर्सन डू नॉट हैव ए हार्ट बीट तो ये वाले नीचे के डायग्राम के अंदर आप देखें कि ये एक फ्लैट लाइन हमें मिल रही है इस तरह से कि ई जी की जो लाइन है वो कम्प्लीटली फ्लैट लाइन मिल रही है यहाँ पे हार्ट बीट्स भी कम्प्लीटली ज़ीरो दिखा रहा है एस भी ज़ीरो है तो उसका मतलब ये हुआ कि पर्सन डू नॉट हैव ए हार्ट बीट पर्सनस के अंदर कोई हार्ट बीट्स ही नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फ्लैट लाइन और इसी को हम फ्लैट लाइन करते हैं फ्लैट लाइन इज़ इन इन्वॉल्व इन ए वेरियस डेफिनेशन ऑफ अ डेथ कि जब पर्सन की डेथ हो जाती है उसके जो अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं कि रेस्पिरेशन जीरो हो जाना एस पी ओ टू कंप्लीटली ज़ीरो हो जाना या फिर हार्ट रेट तो ये अब देखो यहाँ पे तीनों ज़ीरो है दैट इंडिकेट्स अ डेफिनेशन ऑफ ए डेथ तो फ्लैट लाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ए जी के अंदर और आखिर में यही बात की उसके यूजेस क्या है तो इसी जी बिकम्स द डायग्नोस्टिक टूल एंड फीचर फॉर कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड डिस एंड डिसऑर्डर्स जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक आना कि जो हार्ट अटैक होता आता है जब किसी को तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं और मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट्स टेके कार्डिया ब्रेडिकार्डिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर फिर जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होते हैं मतलब कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर से उसके रिलेटेड ये एक डायग्नोस्टिक फील टूल बनता है कि जब भी समझे कि आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर ये ई जो है वो निकाला जाता है और उस पर से पता लगाया जाता है कि टैके है ब्रेडी है इरेगुलर हार्ट बीट से और समझे कि नॉर्मल के कंपेयर में फ्लक्चुएसन्स देखने को मिलते हैं इसी के अंदर तो आगे कन्फर्मेटिव टेस्ट वगैरह जो होती है आगे उससे बेसिस के ऊपर फर्दर डायग्नोसिस बनता है तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द ई जी थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन या फार्मर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट